हेलो दोस्तों, HTML सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम HTML में टेबल बनाना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास अक्सर कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको कि अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सकता है। HTML में भी हम अपने डेटा के स्ट्रक्चर के लिए टेबल को यूज़ करते हैं। कुछ वेब ऑथर ऐसे होते हैं जो कि अपने अपने वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेआउट के कंट्रोल के लिए हमें CSS को यूज करना चाहिए। तो आज हम टेबल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना नोटपैड का टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करूँगा टेबल टैग को। और यहाँ पे टेबल टैग में क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे TR टैग को और टेबल के हेडिंग के लिए हम यहाँ पे TH यूज करेंगे। TH एलिमेंट के अंदर हम जिस डेटा को भी लिखेंगे वो हमारा बोल्ड शो करेगा। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ TH और TH और यहाँ पे लिख देते हैं सिटी और इसको भी क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा TH और सैलरी और इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर हम अगली रो बनाते हैं TR और फिर TD एलिमेंट को यूज करेंगे। नॉर्मल डेटा के लिए हम TD टैग को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं कमल और TH TD और TD फिर से हमने यूज किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे लखनऊ और TD टैग को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। और फिर TD टैग को यहाँ फिर स्टार्ट किया गया और यहाँ पे सैलरी हमने लिख दी 2000 और TD फिर TR टैग को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट करके इसको मैं नीचे दो बार कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पे ये डेटा हम चेंज कर देते हैं यहाँ विनय और यहाँ पे हो गया कानपुर और यहाँ पे हो गया दिल्ली और यहाँ सैलरी में चेंज कर देता हूँ यहाँ 3000 और 5000। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को गूगल क्रोम को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक टेबल बन गया है, लेकिन अभी इसमें बॉर्डर नहीं शो कर रहा है। तो हम बॉर्डर शो करवाने के लिए CSS को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे अब CSS यूज करता हूँ स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे लिखेंगे टेबल TH TD। इन तीनों में हमें बॉर्डर लगाना है और यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर और 1 pixel और यहाँ पे कलर दे देता हूँ सॉलिड रेड और इसको क्लोज करूँगा। अब मैं स्टाइल टैग को ही यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया और सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये टेबल का यहाँ पे बॉर्डर शो करने लगेगा। अभी इसमें कुछ दिक्कत हुई है इसलिए शो नहीं कर रहा है। रेड सेव और रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश हो गया हमारा और ये टेबल का बॉर्डर यहाँ पे शो करने लग गया। अब यहाँ पे मैं टेबल का टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के लिए हम
कैप्शन टैग को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा कैप्शन और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय। कैप्शन टैग के अंदर हम अपने टेबल का टाइटल लिखते हैं कि टेबल हमारा वास्तव में किस लिए बनाया जा रहा है, और यहाँ पे कैप्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कैप्शन, ये कैप्शन हमारा क्लोज़ हो गया, और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये ऊपर हमारा टाइटल शो कर रहा है, ये कैप्शन शो कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे टी हेड टैग को इस्तेमाल करेंगे, टी हेड, और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। पहली रो के बाद में हम इसे क्लोज़ कर देंगे, और फिर यहाँ पे टी बॉडी इस्तेमाल करेंगे, टी बॉडी, ये टेबल की बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है टी बॉडी, और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे टी बॉडी। और टेबल की समरी के लिए बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टी फूट, टी फूट, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके आउटपुट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो तीनों टैग हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फूट, ये केवल वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन को ये बताने के लिए है कि हमारे टेबल का हेडर कहाँ से है और उसकी बॉडी कहाँ पर है और उसका फूटर कहाँ पर है। तो ये केवल सर्च इंजन और ब्राउज़र के लिए होता है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम इसमें दो सेल को मर्ज करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे? जैसे हमें ये कमल और विनय, इन दोनों का सिटी हमें लखनऊ रखना है, तो ये दोनों डिटेल के लिए हम यहाँ पे इस कॉलम को, इस सेल को हम मर्ज करवा देंगे और उसमें लखनऊ यहाँ बीच में सेंटर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे रो स्पेन टैग को यूज करेंगे। ये हमारा सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं यूज करूँगा रो स्पेन यूज करता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमा में 2 लिख दिया और रो स्पेन 2। इससे हमारी दो सेल मर्ज हो जाएंगी, दो रो जो होंगी वो हमारी मर्ज हो जाती हैं। और इसके नीचे वाले इस एलिमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया और सेव कर दिया और फिर रिफ्रेश करवाया तो ये देखिए, ये हमारी दोनों सेल मर्ज हो गई हैं। अब अगर हमें दो कॉलम को मर्ज करवाना है तो दो कॉलम्स को भी हम मर्ज करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ TD के बाद लिखता हूँ कॉल स्पेन और इन्वर्टेड कॉमा में 2 लिख दिया। अब दो कॉलम जो होंगी एक में मर्ज हो जाएंगी, और इस डेटा को मैं यहाँ चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ टोटल सैलरी, और इस एलिमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ और सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे दो सेल जो हुए, ये दोनों दो कॉलम मर्ज हो गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक टेबल बना सकते हैं और अपने वेब पेज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML के और भी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।